hello everyone this is ashish jain this is a continuation video on html you know very well html that is hypertext markup language is basically used for designing a web page so in the last video uh, we have discussed the uh, basic of uh, basics of uh, html like how to start and how to work on this so as you know very well uh, we give all the commands in notepad

टैग देते हैं वो किस देते हैं द द मेन टू 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 गिव गिव दिस नेम इज अ टाइटल ऑफ वेब पेज ठीक है give, uh, to, uh, to तो देखिए इसमें हम पहले क्या टाइटल जो टैग ओपन करेंगे एंड इसमें याद रखना हमेशा जो है लिफो मैथड अप्लाई करते हैं कि जो बाद में टैग ओपन हुआ है उसको पहले हम फिनिश करेंगे यानी कि उसको पहले हम क्लोज करेंगे और जो बाद में और जो हमने पहले जो टैग ओपन किया था उसको बाद में हम क्लोज करेंगे तो देखिए पहले हमने टैग कौन सा ओपन किया बिटवीन दी हेड एंड टाइटल पहले हमने टैग ओपन किया हेड हेड ऑफ टैग ओपन किया और बाद में टाइटल तो जब हम टाइटल जब दे देंगे टाइटल का नाम जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर टैग कोड्स इसको देने के बाद देखिए सबसे पहले हम टाइटल को हम क्लोज करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल क्लोज हेड

तो पहले हम बॉडी का जो टैग है वो ओपन करेंगे उसके बाद हम इसमें स्टार्ट काम करना शुरू करेंगे यानी कि जो भी हम कमांड देंगे वो हम इसमें देंगे so सो देखिए बॉडी में देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वेब क्रिएट करने जाता है सबसे पहले कहते हो टाइटल लिखते हो टाइटल करने के बाद आप हेडिंग लिखते हो कि जैसे हमारे लिए कंपनी का नाम जो बोल्ड में लिखा रहता है ठीक है तो देखिए हम उसके लिए हम हेडिंग देनी पड़ेगी अब हेडिंग का एक जो है अलग अलग साइज़ होता है जैसे देखिए यहाँ पर क्या है एस्टिमेट में आपके बेसिकली

हेडिंग वन मैं यहाँ पर सिर्फ हेडिंग वन लिख रहा हूँ बाद में जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा जैसे आप हेडिंग को नाम कोई भी दे सकते हो मैं आपको सिर्फ एक आप इसलिए बता बताऊँ ताकि आप जो है इनसे डिफ्रेंशियट कर सको कि जितने हेडिंग है लाइक एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एस सिक्स इनमें डिफरेंस क्या है एंड देन आई विल क्लोज दिस टैग सेम एज एच टू हेडिंग टू and and then 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 close h2, then h3, heading 3, and then I will close h3. So this is the way of providing command to HTML. पहले टैग ओपन कीजिए कमांड जॉब देना चाहते हो या जो भी नाम देना चाहते हो वो लिखो उसके बाद उसी टैग को सभी तभी तभी ओपन कर दीजिए

मैं समझाता हूँ जैसे कि पैराग्राफ पैराग्राफ द डिफाइन्स पैराग्राफ्स बाय एडिंग एक्स्ट्रा लाइन बिफोर एंड फ्टर दी पैराग्राफ ना आई एम नॉट क्लोजिंग दिस टाइप पी क्यों क्योंकि मैं अभी भी पैराग्राफ जो भी मैं आगे को लिखूँगा वो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा ठीक है लेकिन अब देखिए जैसा आप वर्ड में जब भी आप काम करते थे जब भी हमें नेक्स्ट लाइन में एंटर करना होता है वी ऑलवेज प्रेस एंटर बट इन द केस ऑफ एच डी एम एल वी हैव टू गिव एवरी कमांड सो यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट लाइन में एंटर करने के लिए हम एक और टैग यूज करेंगे दैट इज बीआर बीआर बेसिकली स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक यानी कि अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में एंटर करना है तो आपको एंटर प्रेस करने से कुछ नहीं होगा आपको कमांड देनी पड़ेगी क्या कमांड देनी पड़ेगी बीआर बीआर क्या होता है लाइन ब्रेक सो बीआर दैट इज लाइन ब्रेक्स लाइन ब्रेक बीआर टैग इज एन एम्प्टी टैग That is, no end tag is required. क्या मतलब हुआ देखिए जैसे हमने ऊपर हेडिंग का टैग डाला था पहले हमने इसको ओपन के ऑफ ही क्लोज किया लेकिन ये बी आर टैग दैट इज लाइन ब्रेक जो टैग है ये एक ओपन एंड टैग है एम टी टैग है यानी कि इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है जैसे देखो मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा ठीक है नेक्स्ट देखो टैग दैट इज अभी मैं बी ही लिख रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से उसको माना जाए चलिए एक और इज एम्फेसाइज टैग चलो अभी इससे पहले और देखते हैं इज बोल्ड बोल्ड देखो बॉल्ड के लिए हम टैग यूज करते हैं टेस्ट बी जैसे कि हम वर्ड में कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं टू तो बोल्ड एनी टेक्स्ट तो यहाँ पर भी कमांड देने पड़ेगी आपको बोल्ड के लिए रखेंगे बी बोल्ड जो है हम टैग यूज करेंगे सो बेसिकली दिस टैग

एम्फेसाइज टैक्स के लिए हम देखिये क्या यूज करते हैं ई एम एम्फेसाइज टेक्स के लिए हम क्या करेंगे ई एम टैग यूज करेंगे दिस टैग कन्वर्ट्स टैग इनटू कन्वर्ट दैग इंटू इटैलिकोज ई एम टैग जैसे देखिए हम कोई भी अगर किसी वर्ड को एम्फेसाइज करते हैं जैसे मान माननीय किसी राइटर ने कोई वर्ड एम्फेसाइज करने के लिए क्या करते हैं वो सेंटेंस को इटैलिक में कर देते हैं ठीक है तो ऐसे ही हम जैसे वर्ड में क्या करते हैं, प्रेस, प्रेस हैं। ठीक है तो यहां पर क्या है हमको यहाँ पर कमांड देनी पड़ती है सो so, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं ई एम टैग यूज करेंगे देन नेक्स्ट यहाँ पर बी आर मैं फिर से बता रहा हूँ बी आर यूज कर रहा हूँ लाइन ब्रेक के लिए बी आर तो हम अभी कौन सा यूज कर रहे हैं डिलीटेड टैग डिलीटेड के लिए हम यूज करते हैं डेल टैग डेल टैग बेसिकली दिस टैग स्ट्राइक्स द एलिमेंट, एंड देन वी वी क्लोज डेल टैग देन नेक्स्ट वन इज मार्क मान लीजिए अगर आप किसी टेक्स को पर्टिकुलर मार्क करना चाहते हो आप उसको हाईलाइट कर देते हो बट इस केस में क्या आपको यहां पर कमांड देनी पड़ेगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम कौन सा टैग यूज करेंगे मार्क दिस टैग हाईलाइट्स द एलिमेंट And then we close mark tag. इसके बाद देखिए अगेन आई एम बी आर फॉर द लैंड ब्रेक मान लीजिए अगर आप जैसे हम मैथमेटिक्स फॉर्म लेते हैं यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट तो वहां पर तो हम देखिए बस एक कहते से प्रेस करके हम जो है सुपर स्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट जो है यूज कर रहे थे बट इन दिस केस इन द केस ऑफ एस्टिमेंट वी गिव कमांड बाई वे ऑफ गिविंग टैग नेम तो यहां पर देखिए क्या कर, क्या करेंगे देखिए पहले बात करें सब्सक्रिप्ट की सब्सक्रिप्ट इन दिस टैग इज यूज टू राइट एस यू बी एस यू बी स्टैंड फॉर सब्सक्रिप्टे टैग नेम है दैट इज एस यू बी आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस होल सेंटेंस एंड पेस्ट एंड ऐसे यहां पर आप सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो सुपरस्क्रिप्ट इसके लिए क्या होगा टैग नेम आपका एस यू पी S U P stands for superscript. Then next one is inserted tag. Inserted tag. इसके लिए क्या यूज करते हैं हम INS tag. एस टैग इसकी इसके लिए होता है अंडरलाइन दी एलिमेंट आई So, these are the tags that we are going to use today in this video. The key, we have used heading, then paragraph, then BR for line break, then B for bold and it kind of text, then emphasize text that is EM to convert the tag into italics, then delete tags, del tag to strike the element, then marked to mark to highlight the element, superscript to write a script. सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट टू राइटर्स सब्सक्रिप्ट देन आई एन एस फॉर इनसर्टेड टैग टैक्स के लिए तो ये हमारे फ्रेंड्स हो गया तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे देखिए क्या क्या, क्या क्लोज करेंगे हम लास्ट में देखिए कौन सा टैग ऐसा है, ऐसा ऐसा जो हमने क्लोज नहीं किया अब तक देखिए आई एन एस क्लोज कर दिया एस यू पी एस यू बी मार्क डिलीट ई एम बोल्ड यहाँ देखिए हमने बी आर क्लोज नहीं किया लेकिन बी आर को क्लोज नहीं करने बिकॉज ये एम टैग है इससे पहले देखिए हम हमने पी कह रहा था सबसे पहले हम पी को हम क्लोज करेंगे दैट इज पैराग्राफ इसके बाद देखिए हमने हेडिंग क्लोज कर दिए बॉडी बॉडी देखिए ओपन है अभी तक अब इसको क्लोज करेंगे बॉडी को देखिए टाइटल क्लोज है अब लास्ट वन एचटीएमएल टी एम एल कंट्रोल प्लस एस तो मान लीजिए मैं दे रहा हूँ उसको टैग एंड देन राइट डोट एच टी एम एल एंड डोंट फॉरगेट टू सेव एज टाइप एज ऑल फाइल्स देन सेव इट अब देखिए टैग है राइट क्लिक मैं यहाँ पर जो है गूगल क्रोम का जो है ब्राउजर यूज कर रहा हूँ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं

तो so, आप अपने कैनविडेंट के अकॉर्डिंग जब भी आप वेब पेज बनाएंगे तो अपने कैनविंट के अकॉर्डिंग जो है हेडिंग यूज़ कर सकते हो देन पी सेंटेंस फॉर पैराग्राफ देखिए लेक्स हेडिंग में यहाँ पर हमने ना पी हमने यहाँ पर लिखा पी हमने यहाँ पे स्टार्ट हुआ ठीक है ये सारा एक पैराग्राफ में आ रहा है सो so, पैराग्राफ ठीक है फिर उसके बाद बी आर देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक देखिए यहाँ पर लिखा रहा है क्योंकि हमने बी आर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया था और हम देखिए बी आर हमने यूज़ करा इन ईच एंड एवरी सेंटेंस ठीक है अब देखिए मान लीजिए मैं बी आर यहाँ पर यूज़ नहीं करता मैं आपको एक इसका मैं बता देता तो दू यूज क्या है जैसे मान लीजिए मैं आप बी आर यूज नहीं करता तो क्या हुआ देखिए मैं पहले मैं इसको कंट्रोल प्लस एस कर दूंगा ठीक है मिनिमाइज और फिर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ये देखिए अभी ये सेंटेंस है वो पहले नेक्स्ट लाइन में था अब ये सेम सेम लाइन सेंटेंस में आ गया सेम लाइन में आ गया सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग बी आर यानी कि आप एंटर प्रेस नहीं कर सकते यहाँ पर एंटर काम नहीं आएगा वी हैव टू यूज कोड और टैग नेम सो नेक्स्ट वन देखिए हमने क्या यूज किया दैट इज बी बी स्टैंड फॉर बोल्ड बोल्ड देखिए दिस कन्वर्ट इनटू ये पूरा सेंटेंस आपको बोल्ड हो गया देन एम्फेसाइज दिसवर्ट इंटू इटेक्स हमने क्या यूज किया था ई एम टैग देखिए ई एम कहाँ पर लिखा था कहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ से क्लोज करके यहाँ पर यानी कि इसके बीच में हम जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो सारा आपका इटेलिक हो जाएगा देखिए वही हुआ है देखिए दिस टैक कन्वर्ट इंटू डिलीटेड टैग तो देखिए डिलीटेड कहाँ टैग यूज करा हमने यहां पर एंड यहाँ पर उसको ऑफ कर दिया मीन क्लोज कर दिया टैक्स ने तो स्ट्राइक हो गए सेम एज मार्क मार्कर क्या था हाईलाइट हो जाए देखिए हाईलाइट हो गया देन सो सब्सक्रिप्ट देखिए सब्सक्राइब हो गया देन सुपर स्क्रिप या सब्सक्रिप्ट सुपर सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टैग कोड्स एंड देयर वी कैन सी ऑल देयर इफेक्ट्स थैंक यू आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल